हे गाइस, वेलकम टू यम्मी रेसिपीज। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा, जो बिहार का बहुत ही स्पेशल डिश है। तो इसे हम बनाएंगे बारबेक्यू में। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है सत्तू। तो ये मैंने पैकेट वाला सत्तू लिया है। आप चाहे तो जो चना होता है उसको भून के पिसवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड लिया है। और इसका हम पहले मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज काट के डाल लिया है। फिर मैंने डाला है इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो कोरिएंडर लीव्स होता है वो डाला है, सरसों का तेल डाला है। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम हल्का हल्का पानी डालेंगे थोड़ा। और उसे ज़्यादा हम आटा जैसा नहीं गूंदना है, बस थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे, ताकि जब हम इसे भरेंगे तो अच्छे से फटे नहीं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है रेड मिर्च पाउडर। और यहाँ पे मैंने जो मसाला होता है अचार का, वो मैंने डाला है। आप कोई भी मसाला डाल सकते हैं, आम का डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड मिर्च का डाला है। और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आटा लेके पानी डाल के गूंद रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। और ये देखिए, मसाला सत्तू का बहुत ही टेस्टी और यम्मी दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे हम इसे जो छोटा जो लोई होता है ऐसे बना के इसको ऐसे करके, और उसमें सत्तू का जो मसाला है वो डालेंगे हम। और इसे अच्छी तरह से नीचे प्रेस करके इसे अच्छी तरह से हम बंद करेंगे। और अच्छी तरह से बंद करें ताकि वो सील जो है खुले नहीं। खुल जाएगा तो फिर अच्छी तरह से वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये देखिए, मेरा सारा बन के तैयार है। और यहाँ पे बारबेक्यू के लिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोयला ले लिया है और इसको हम लोग जला रहे हैं। तो यहाँ पे कोयला को अच्छी तरह से जलाने के लिए मैंने जो मेरा हेयर ड्रायर होता है उससे हम लोग किए थे। तो आप चाहे तो कुछ और यूज़ कर सकते हैं कोयला को जलाने के लिए। तो ये देखिए, हमारा बारबेक्यू एकदम तैयार है। और यहाँ पे जो मैंने लिट्टी बनाया था वो मैंने रख दिया है सेकने के लिए। तो यहाँ पे ये लिट्टी सेक रहा है। तो दोनों साइड से हम अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखिए हमारा, उसके बाद हम जब बन जाएगा तो उसके ऊपर हम घी लगाएंगे। और ये हमारा बैंगन का भरता तैयार है। तो ये है हमारा लिट्टी चोखा बनके तैयार है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।